अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या मैं आपका जीना हराम कर दूं। फॉर्म पूछती है आपसे कि अपनी माँ के कातिलों का तुमने जीना हराम किया है अब तक? कभी रूठे करीब कभी मनाए गए, हम तो इसमें ही लगे हुए हैं जनाब। कभी रूठे और कभी माने, वो कहते हैं कायम अली शाह पिछले 5-6 सालों से इसी काम पे लगे हुए हैं। और एमकेएम और पीपल्स पार्टी का साथ कुछ इसी किस्म का है। 2008 के इंतखाबात के बाद एएनपी, एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों शरीके इकतदार रहीं, मरकज़ में भी और सूबे के अंदर भी। लेकिन वो सूबे के अंदर जो साथ था वो हर 2-3 माह की दोस्ती होती थी और फिर 1 माह की दूरी आ जाती थी, फिर दोबारा रहमान मलिक की एक मुलाकात होती थी और फिर कोई रास्ता सुलह कर निकल आता था। ये एमकेएम का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो कुछ ऐसा ही है। वैसे तो मुख्तलिफ़ अदवार में एमकेएम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के साथ भी रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रही, लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के साथ इनकी शिरकत इकतदार रही उसके बाद से पीपल्स पार्टी का जो ताल्लुक़ था इनका वो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा नहीं। ये मुसलसल इकतदार में रहते हुए भी शिकायत करते रहे कि हमें वो इख्तियार हासिल नहीं है। और शायद उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि जो अर्बन एरिया की नुमाइंदगी है सिंध के अंदर वो एमकेएम के पास है और जो रूरल एरिया की नुमाइंदगी है वो लार्जली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और अभी भी अगर एमकेएम इकतदार से लहदा होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एज सच कोई ख़तरा नहीं है, वो अकेले से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। लेकिन अर्बन रूरल डिवाइड बहरहाल बरकरार रहेगी क्योंकि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है नहीं और सारा कुछ जो कुछ भी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसीलिए एमकेएम बार बार इकतदार में जाती है कि उसे अपने स्टेक्स जो हैं वो अपनी पावर में जो ड्यू शेयर है वो उसको मिलता रहे। इससे पहले कि हम सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करें और मेहमानों से तारुफ करवाएँ, एक पैकेज बनाया हुआ है हमने। 2008 ऑनवर्ड एमकेएम हुकूमत के साथ कितनी दफ़ा जुड़ी और कितनी दफ़ा दूर हुई, पहले वो देखते हैं और फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की दावत पर एमकेएम हुकूमत में शामिल हुई। नवंबर 2010 तक कई मामलात पर इख्तलाफात के बावजूद ये इत्तेहाद कायम रहा। दिसंबर की 27 तारीख को एमकेएम वफाकी काबीना से अलग हो गई। यकम जनवरी 2011 को वफाक और सूबे में ओपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने 9-0 आकर एमकेएम को मना लिया। जून 2011 को कराची में आजाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करने पर एमकेएम फिर अलहदा हुई और गवर्नर सिंध भी इस्तीफा देकर दुबई चले गए, लेकिन अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर इशरतुल इबाद ने जुलाई में दोबारा गवर्नर का ओहदा संभाला। अक्टूबर 2011 में एमकेएम ने फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया। 2012 में बलदियाती निज़ाम पर इख्तलाफात ने सर उठाया, मुज़ाकरात चलते रहे और इत्तेहाद भी। 2013 में हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से एक माह कबल 16 फरवरी को एमकेएम ने विफाक और सूबे से अलहदगी का ऐलान किया। 11 मई 2013 के आम इंतखाबात के बाद एमकेएम ने ओपोजिशन में बैठने को तरजीह दी, मगर रवां बरस अप्रैल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत का हिस्सा बन गई। एमकेएम को 2 वज़ारतें, 2 मुशीर, 1 मावन-ए-खुसूसी का ओहदा दिया गया। जी, ये वो पैकेज था जिसमें एमकेएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ जुड़ते हुए भी और साथ तोड़ते हुए भी हमने दोनों आपको बताया कि कितनी दफ़ा साथ जुड़ा और कितनी दफ़ा टूटा। लेकिन रिसेंट वीक्स के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के इलेक्शन में, पंजाब की हद तक मई 2013 के इंतखाबात में कम्प्लीटली अगर वाइप आउट कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक अहमद महमूद वाली जो गवर्नर पंजाब की सीट थी उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से मुकम्मल तौर पर हार गई। और वो नशिस्तें भी जो स्ट्राइकी बेल्ट के अंदर सदन पंजाब के अंदर, यूसुफ रजा गिलानी साहब का ख्याल था कि उन्होंने बहुत पैसा लगाया और वो सीटें तो उनकी हैं ही हैं, वो वहाँ से भी हार गए। और अभी बाई इलेक्शन जो मुल्तान में हुआ उसमें भी हमें 6,000 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में नज़र आए और आमिर डोगर साहब जो 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पर हार चुके थे, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पीपल्स पार्टी का टिकट ठुकरा कर
मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि इनकारी हो गया कि मैं आपका टिकट नहीं लेता और पीटीआई की हमायत से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में जीत जाते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने है। बिलावल भुट्टो को मैदान में उतारा गया, पहले उन्होंने अपने वर्कर्स से माफ़ी मांगी, कि अपने लीडरान से भी कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं ना जाएं, फिर उन्होंने ख्याल ये किया कि एक बड़ा जलसा करते हैं। उससे पहले उन्होंने एमकेएम को भी निशाना बनाया, जिसमें ये भी उन्होंने कहा कि अंकल अल्ताफ अपने नामालूम अफराद को रोकें। ये वो बेसिकली स्टेटमेंट है जिसके ऊपर एमकेएम बहुत ज़्यादा खफा हुई। फिर वो महाजर और सिंधी का लफ्ज़ जो है वो दोबारा एक दफ़ा फिर इस्तेमाल में आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो लिसान और ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर हमें तकसीम करती हैं, तो नफ़रत पैदा होती है। मैं इस ज़्यादा तफसील में नहीं जाता कि किसको महाजर और किसको सिंधी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया और बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग 18 अक्टूबर के जलसे से की गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 18 अक्टूबर के साने के बाद से सिंध में भी और मरकज़ में भी रही 5 साल, लेकिन सानहा कारसाज के सवालात, कौन मारने वाला था, उसके साथ सजा, इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं है। 27 दिसंबर मोहतरमा नेशन से लेकर आज की तारीख तक मोहतरमा के कातलों को क्या ढूंढने के लिए कोशिश की गई, क्या उनको सजा दिलवाई गई, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो ये वो दो तीन चीज़ें हैं जो एमकेएम और हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ के हवाले से हमने पूरा आपको एक बैकग्राउंडर दिया। अब प्रोग्राम में सवालात भी इसी नुक्ते के ऊपर रखेंगे और क्या ये मुंतज होगा एक ऐसी जगह के ऊपर जाकर जहाँ इस्लामाबाद में भी धरने हैं, कराची में भी एमकेएम सड़कों के ऊपर है, जमात इस्लामी वाले अपने जलसे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना जलसा कर रही है, तो एक हर तरफ पूरे मुल्क के अंदर आपको वो फिज़ा नज़र आएगी जहां मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत के साथी भी और उसके सियासी मुखालफ भी इस वक्त मैदान में या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके साथ शायद उनको खड़ा हुआ कोई नज़र नहीं आएगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, एमकेएम के रहनुमा हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, वेरी वार्म वेलकम। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब, जो सरबराह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के और जो बड़े मुतबर और सीनियर शख्सियात हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, उनमें से एक मखदूम साहब हैं। मखदूम साहब, वेरी वार्म वेलकम जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप ही से स्टार्ट करूँगा। एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोस्ती रोज़ होती है, रोज़ टूट जाती है, लेकिन इस दफ़ा लोगों का तासुर यह है कि ये बिगर पिक्चर में इस दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, नून लीग को भी और आपको भी, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में बड़ा पुराना ताल्लुक है और उस ताल्लुक में कभी कभी बहुत सारी जो है वो गर्मजोशी हो जाती है, कभी कभी जो है वो उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। इस वक्त जो एक इशू सामने आया है उसमें मैं समझता हूँ कि एमकेएम का जो है नाराज़ होना वो एक हद तक जो है वो उसको हम समझते हैं, लेकिन सियासत में और दुनियादारी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, लेकिन उसके होने से जो है वो ताल्लुकात को काटना नहीं चाहिए, ताल्लुकात को इम्प्रूव करना चाहिए, ताल्लुकात को सुधारना चाहिए और आपस में, क्योंकि हम एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही सूबे में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, अगर आपस में हमारी खिटखिट होगी तो हमें तो नुकसान होगा लेकिन कोई और उसका फ़ायदा उठा सकता है। बैरिस्टर सैफ सर, कौन फ़ायदा उठाएगा, आपकी जमात फ़ायदे में रहेगी साथ छोड़? देखें, मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये फैसला कि सिंध की हुकूमत का साथ छोड़ना हमें पड़ा, मैं समझता हूं मखदूम साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में ये बात की कि एमकेएम का एक पुराना ताल्लुक था पीपल्स पार्टी के साथ और रहा है, जिसमें कोई शक नहीं है, माजी की तारीख का हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से जो विलीफिकेशन एक कैंपेन कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के हवाले से पीपल्स पार्टी के सबसे सीनियर जो रहनुमा हैं जो बिलावल जरदारी साहब, उनकी तरफ से शुरू हुई, तो उसको मैं समझता हूँ कि हमारा ख्याल ये है कि ये एक बाय डिज़ाइन कैंपेन थी, क्योंकि जैसे अमीन फहीम साहब ने फरमाया कि ये हो जाती हैं, मैं समझता हूँ सियासत में बहुत कुछ हो जाता है, डिज़ाइन क्यों है, लेकिन मैं वही बात करूँ, देखें कि अगर हो जाती हैं तो एक बार हो जाता, बयान मुंह से निकल गया, टंग स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ हर जलसे में हर दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ भाई को टारगेट करके, मैं समझता हूँ कि शायद एक वजह तो यह है कि सिंध की हुकूमत के हवाले से जहां तक सिंध की हुकूमत की नाकामी है डिलीवर ना करने की जो इश्यूज हैं, जिसमें अभी कुछ अरसा पहले पिलडेट का एक सर्वे भी आया है जिसमें सिंध को पाकिस्तान की जो चारों सूबाई हुकूमतें उनमें सबसे वर्स्ट हुकूमत करार दिया गया। उसके अलावा यह है कि जो आपने आवाम से वादे किए हैं कराची की हद तक तो छोड़ें, मतलब सिंध की हद तक क्या हाल है, नोडेरों का अपना क्या हाल है, बाकी लड़काने का क्या हाल है, जो आपके मेन सेंटर्स हैं जहां से आपकी पॉलिटिकल पावर के बेस हैं, वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ, अवाम करप्शन का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, मैं समझता हूं कि शायद उस तरफ से एक तो डाइवर्शन ऑफ फोकस था लोगों का कि उस तरफ किया जाए,
और मैं इस बात को भी बहुत बदकिस्मती समझता हूँ कि बिलावल जरदारी साहब की लॉन्चिंग जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो एक नेगेटिविटी के साथ कर रही है, मनफियत के साथ कर रही है। सियासत का तो तकाजा यह है कि आप अपने बदतरीन दुश्मनों को भी साथ लेके चलें। मखदूम साहब से इस पे पूछते हैं, अपने दोस्तों को नाराज करते चले जाएं। मखदूम साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी मई 2013 के इंतखाबात में वाइप आउट हो गई थी और लोगों का ख्याल ये है कि आपके ऊपर दबाव इतना था कि आपको रिवाइवल के लिए अपने वोटर्स को, अपने जियाले को जो रूरल सिंध से बिलोंग करता है, अपने साथ रखने के लिए बड़ा सूट करता है कि एमकेएम को आप ललकारें, ये आपके रूरल सिंध के वोटर को अपील करती है। जी, मैं इसमें अर्ज करूँगा कि जो गुज़श्ता इलेक्शन थे उस पर तो पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है वो वाज है, हम कहते हैं कि हम जो है वो इसमें हमें हराया गया, और आरओएस का इलेक्शन था जो आपके सामने है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को माचो मैन दिखाने के लिए हम जो है वो सबसे लड़ाई शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि हमें बेहतर तरीका हमें वही करना चाहिए कि हम सबसे दोस्ती करें, बल्कि जो हमारे अगर मुखालिफ हैं कोई उनसे भी हमें अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, क्योंकि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, होता है तो दोस्ती से होता है। मखदूम साहब, लेकिन एक आपके जो स्टैंडिंग है पोलिटिकल पार्टी की, उसमें दो तजादात हैं। एक तो आरोज की टर्म सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब ने इस्तेमाल की कि आरोज का इलेक्शन है, आपसे भी मैंने बारहा इंटरव्यू किया तो आपने भी कहा कि आपके हल्के चीफ जस्टिस आके बैठे हुए थे, लेकिन आप उसकी तहकीकात का मुतालबा पार्टी नहीं करती। मखदूम अमीन फहीम साहब अपनी जाती हैसियत में ये राय देते हैं कि कर लें, पार्टी नहीं कहती तहकीकात कर लो, तो वो कंट्राडिक्शन जो हैं वो आपको हर्ट कर रही हैं, पंजाब में भी कर रही हैं, अब सिंध के अंदर एक दूसरा चैलेंज आ गया। मैं ये अर्ज करूँ कि पार्टी ने और पार्टी की लीडरशिप जो है उसने तो रिपीटेडली कहा है कि आरोज के इलेक्शन थे। अब जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद से चलते हैं और मेरे हलके में डीआरओ के दफ्तर में आके बैठे हैं, जहां मैं गया हूं अपने पेपर जो है वो स्क्रूटनी के लिए, और हमें कहा गया कि भाई चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, वो जब जाएंगे तो आप हैं। 3 घंटे हमने इंतज़ार किया। सर, पंजाब से मंजूर वट्टू साहब भी ये शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट का एक जज था जिसके दफ्तर से आरओ को कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन योर पार्टी इज़ नॉट इन ए पोजिशन जहाँ वो डिमांड कर रही हो कि प्रोब करें जी, हल्के खोल लें या वो देखें वो फॉर्म 14-15 ठीक है कि नहीं, जो इमरान मुतालबा कर रहा है, आपकी जमात ये मुतालबा नहीं कर रही, आप इंडिविजुअल्स हैं। मखदूम साहब, आप जो ये बयान दे रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब ये बयान नहीं दे रहे, बिलावल ये बयान नहीं दे रहे। नहीं, आसिफ ने तो बार बार कहा है कि आरओज इलेक्शन बट नॉट फॉर प्रोब। आरओ का मतलब क्या है वो आप और सब समझते हैं, लेकिन आसिफ साहब का ये है कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट और जमहूरियत कायम रहे, हम कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें कि जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाए, और हम अगर कहें कि भाई गड़बड़ हुई है, ये हुआ वो हुआ, हम सड़कों पे निकले मार पिटाई करें, तो उसका नतीजा आपने देखा है कि क्या होता है, दैट वी डोंट वांट टू डू। सर, सड़कों पे तो आप आ गए, देखें आपने एमकेएम को धक्का मार के बाहर निकाला है, क्योंकि ये कहें कि नामालूम अफराद को अंकल अल्ताफ आप रोकें तो आप क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि जो टारगेट किलिंग हो रही है ये आपके हैं सारे, आप इसको रोकिए। जब मैंने हाजर के लफ्ज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी, मेरे ख्याल में बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, तो उसका तो खुर्शीद शाह साहब जवाब देंगे, दे चुके हैं, माफ़ी भी मांग चुके हैं। जब ये मैंने सुना था बिलावल साहब के तकरीर में, उस वक्त मेरे कान खड़े हुए थे डेफिनेटली, और लेकिन एक चीज़ कही गई, अब उसको जो है वो लेकर के हम बैठ के अपना ताल्लुक ख़राब करें, मैं समझता हूँ कि उसको अगर डैमेज हुआ तो उसको मरम्मत करनी चाहिए और उसको वापस उसी प्यार और मोहब्बत के रास्ते में लगाना चाहिए। मखदूम साहब इतने मीठे अंदाज से बात करते हैं कि वो मेरे ख्याल में काउंटर आर्गूमेंट के लिए हमारे लिए गुंजाइश भी कम छोड़ते हैं, लेकिन बाकी पीपल्स पार्टी जो आप कह रहे हैं कि बाय डिज़ाइन उन्होंने आपको धक्का मारा, तो कितनी गुंजाइश होगी कि इतना ही मीठी दावत अगर मखदूम साहब ने दी तो आपको इनकार करना मुश्किल हो जाएगा? देखें, मखदूम साहब यकीनन बहुत मीठे इंसान हैं, बहुत शरीफ और नफ्स इंसान हैं, इसको मतलब अल्फाज में मैं इनकी अच्छाई को बयान नहीं कर सकता, मैं इसमें कोई शक नहीं जाती हैसियत में, और पीपल्स पार्टी में यकीनन ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं जो ये जो इस सूरत हाल से परेशान हैं, वो नहीं चाहते, लेकिन बावजूद पार्टी में शायद वो उनको इतना वो आवाज़ नहीं उठा सकते इन जो जो सिचुएशन बनाई जा रही है इसके हवाले से। बिलावल साहब के बयान के बाद जो सिचुएशन सामने आई है, देखें ये एक वाकया नहीं था, ये तसलसल से वाकयात होते आ रहे हैं और कई महीनों से होते आ रहे हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से और अल्ताफ़ भाई की तरफ से ख़ास तौर पर बहुत सब्र का वो किया गया है, मतलब सबूत दिया गया है, हमने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब 18 अक्टूबर जो कि आपका एक माइलस्टोन दिन है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तारीख में, उसमें आप जलसा करते हैं, पूरे सिंध के नुमाइंदा एक इज्तिमा करते हैं और उसमें आप डायरेक्टली फिर अल्ताफ़ भाई को ब्लेम करते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप गैर यानी इस्तरारी तौर पर या गैर इरादी तौर पर ये बातें नहीं कर रहे, बल्कि आपका एक डिज़ाइन है, प्रोग्राम है कि आपने एम क्यू एम को टारगेट करना है और उनको इंसल्ट करना है। उसके बाद मैं ये नहीं समझता
कि जो लोग ये पीपल्स पार्टी में इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, शायद ये चाहते हों कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उनके तरफ दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया हुआ है वो बरकरार रहे मजबूरन। तो जब आप दोस्ती का हाथ पीछे रूरल सिंध में बैठ के आपको चैलेंज करते हैं अर्बन एरियाज के नुमाइंदों को, तो उनको सूट करता है, उनका वो जियाला वर्कर था उनके साथ जुड़ जाएगा। देखिए मैं, लेकिन मैं एक बात और भी कहना, अगर कोई बाशऊर वोटर है तो वो इन बातों से ज्यादा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देगा। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ अगर बढ़नी है तो उनके नजरियाती जो असास है, जो कि भुट्टो साहब की एक विजन था और जिसकी वजह से सिंध के लोगों ने उनका साथ दिया और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लोगों ने साथ दिया, मैं समझता हूं कि बजाय किसी पार्टी को टारगेट करके और इत्यादी पार्टी को टारगेट करके जो आपके लिए मसाइल भी नहीं पैदा कर रही, अब आपके साथ नहीं है, अब तो आपने साथ छोड़ दिया। मैं माजी की बात कर रहा हूं, समझता हूं कि उस पर ज्यादा फोक कारकर्दगी और नजरियात पर ज्यादा जोर देना चाहिए बजाय इसके कि आप टारगेट करें और वेरिफिकेशन। सूबों का इशू एक दोबारा बड़ा पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल बन जाता है, हमारे हमसाया मुल्क में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। उन्होंने कोई 50 की दहाई में एक कमीशन बना दिया था और उसने एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक वायबिलिटी इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तो नए सूबे वो बनाते गए, कोई उन्हें मसला नहीं हुआ। हमारे यहाँ खतरा पैदा हो जाता है, कहीं MQM वाले कराची को उठा के ना कहीं ले जाएं, पंजाब में खौफ पैदा हो जाता है कहीं सदर्न बेल्ट से कोई उठा के गिलानी साहब ही ना ले जाएं मुल्तान को। तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे, मखदूम साहब से भी राय लेंगे, MQM का क्या मौकफ है उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में क्या सूबे नए बनने चाहिए या नहीं, MQM वाले जब ये मुतालबा करते हैं तो पहले वो एक 90 की दहाई के हमारे यहाँ कुछ खदशात पाए जाते हैं, उस वक्त एक ऑपरेशन किया गया था कराची शहर के अंदर, बहुत मिसडायरेक्टेड था। पहले इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जनापुर के नक्शे निकल आए हैं और कोई 15-20 साल के बाद बताया गया कि नहीं सब कुछ झूठ था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सूबों का मुतालबा अभी भी बरकरार है और मखदूम साहब आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्या सूबे बनने चाहिए और बनने चाहिए तो बुनियाद क्या होनी चाहिए? मैं अगर इस वक्त कहूँगा कि बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए तो ऐसे लगेगा जो अभी एक नया इशू शुरू हुआ है तो उसकी या मैं तायीद कर रहा हूँ या उसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नए नए इशू खोलने से बेहतर है कि जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम है उसको हम इतना मज़बूत करें कि जो भी फैसला करना है, चाहे 10 सूबे बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके हम बहस करें, उसमें जितनी भी मौजूद हो प्रेजेंटेशन मेजॉरिटी फैसला करे, जो भी फैसला करे वो हर किसी को बोलूंगा। मखदूम साहब, लेकिन ये आपकी अपनी हुकूमत के 5 साल से मुतसादम बात है जो आप कह रहे हैं, आपकी हुकूमत कहती थी कि हम सरायकी सूबा बनाएंगे, करारदाद बना ली, कमीशन के लिए जरदारी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहते थे सिंध इकट्ठा रहेगा, पंजाब का नया सूबा बनाएंगे, यही कहते थे आप लोग, तो अब तो आप उससे उलट बात कर रहे हैं। वो नहीं बन सका, बिल्कुल नहीं बन सका, तो वो एक नाकाम अप्रोच थी, गलत अप्रोच। दरअसल इसमें मैं अर्ज करूं कि कुछ चीज़ें ऐसी सेंसिटिव होती हैं, उसमें इस तरह का एक डिवीजन ऑफ थॉट्स होता है जिसको मिला के एक साथ करना जो बड़ा मुश्किल होता है। वही हुआ जो पंजाब के दो हिस्से करने की या दो सूबे बनाने की बात हुई थी, उसमें एक तो जो सदरन हिस्सा है उनका अपना ख्याल था और इधर का अपना ख्याल था, और जो उस वहाँ से हार गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से वाइप आउट होगी, आपका ये स्लोगन आपके काम ही आया। अभी जो हमारा मुल्तान में हुआ है जलसा, हमने बहुत ज़बरदस्त शिकस्त खाई है, 6,000 वोट मिले आपको, बहुत ज़बरदस्त शिकस्त खाई है हमें, हमारे इस आई ओपनर अगर इसके बाद हमने आंखें नहीं खोली तो बड़ा नुकसान होगा। मिनिस्टर साहब, सब सूबे बनने चाहिए आपकी जमात का मुतालबा है, ये तो बुनियाद क्या होनी चाहिए? नदीम साहब, बिल्कुल सूबे बनने चाहिए और मेरे ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये एक तसलसल से ये एक विजन है और ये फिक्र है और एक सियासी सोच है कि पाकिस्तान के मसाइल और आवाम के मसाइल उस वक्त तक सही तौर पर हल नहीं हो सकते जब तक मुल्क में मजीद सूबे ना बनाए जाएँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सूबों का मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जिस तरह से वसाइल की तकसीम होती है सूबों में, वो आम आदमी तक उस तरह से नहीं पहुँच पा रहे, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंतज़ामी बुनियादों पर, और यही MQM का मौक़िफ़ है, सूबे बने लिसानी और कौमी बुनियादों पर ना बने। लिसानी बुनियादों पर ना बने, क्या इसमें क्लैरिटी है MQM के अंदर? मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लैरिटी है, क्योंकि जब भी आप कराची के अंदर या अर्बन सिंध के अंदर सूबे की बात करते हैं वो ज़्यादातर आपका फोकस लिसान के ऊपर है, सराइकी बेल्ट के अंदर भी जब सूबे की बात हो रही थी तो फोकस लिसान के ऊपर था, यही खौफ है, यही डर है जिसकी वजह से वो सूबे बन नहीं पाते। देखें नदीम, इंतजामी बुनियाद कहीं नहीं है। देखें मेरी बात सुने, अल्ताफ भाई ने बार बार
बार बार ये बात कही है कि हम सूबे बनाना चाहते हैं इंतजामी बुनियादों पे, क्योंकि लिसानी या कौमी बुनियादों पर अगर सूबे बनेंगे तो वो फेडरेशन के को कमज़ोर करने की एक स्टेप होगा और हम नहीं चाहते कि वो हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हम ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त मुल्क में जो एक गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, गवर्नेंस फेलियर जो हो रहा है, मरकज़ में भी हो रहा है और सूबों में भी हो रहा है, उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि सूबे जो हैं इतने बड़े हैं और एक सूबा तो इतना बड़ा है कि वो पूरे पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ भी आवाम पर नहीं हो रहे बल्कि चंद जो मफादी मराहत याफ्ता तबकात हैं और उनके जो चंद शहर हैं, लाहौर शहर है मिसाल के तौर पर, वहीं पर ही सारा। और यही वजह है कि अगर आप सूबों को इंतजामी बुनियादों पर डिवाइड करेंगे मुल्क को, तो मैं समझता हूँ कि जो जो कहते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी होगी और आवाम के मसाइल उनके डोर स्टेप पर हल होंगे। ये हमारा पहले से भी मुतालबा था और आज भी। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं मखदूम साहब के मौकफ का हामी हूँ कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कमीशन बना के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक वायबिलिटी है ये बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए, रीड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, वैसे तो बनी नहीं सकती बाउंड्रीज, रीड्रॉ नहीं आप कर सकते, मैं अर्ज करूं वो आपको असूल वजह करने पड़ेंगे। मैं अर्ज करूं कि ये सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए वो एक इशू है, लेकिन इस वक्त अगर हम इस इशू को लेकर के चलेंगे तो उसमें दो वाज तरफ नजर आएंगे, एक तरफ इधर एक तरफ उधर, एक बड़ी डिवीजन जहनों की, ख्यालात की और प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी की नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस वक्त मैं मेरे ख्याल में शायद इनको भाई को पसंद आए, इस वक्त इस इशू को छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पार्लियामेंट इज़ द प्लेस कि जहाँ बैठ के हम हर चीज़ डिस्कस करें, मेजॉरिटी जो फैसला करें, नंबर वन। दूसरा ये इस वक्त जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवानी चाहिए, अवलीन तरजीह होनी चाहिए, वो हो जाए ताकि आपकी जो है वो इलाके के हर इंसान को हकों को अपना अपना अपने एरिया के जो है वो रिप्रेजेंटेशन के पास जाए और अपनी बात जाके। क्या सिंध हुकूमत तैयार है जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, आप सिंध हुकूमत तैयार है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए? कोई हुकूमत तैयार हो या ना हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल गवर्नमेंट जितनी भी प्रावन चले, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा मजहर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे भी तजिया ले लें। मजहर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि एमकेएम का हुकूमत से लहदा होना क्या ये बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तजिया निगारों का ख्याल ये है कि ये जो धरने शुरू हुए थे 14 अगस्त से, वो शायद अपने धरनों के साथ साथ उन्हें मजीद सियासी जो हमायत दरकार थी वो अब एमकेएम के पीपल्स पार्टी से लहदा हो जाने के बाद इन्हें कराची की शक्ल में मिल जाएगी। आपका भी कुछ ऐसा ही ख्याल है या आप मुख्तलिफ राय रखते हैं? मेरा ख्याल है नदीम फौरी तौर पे तो ये नहीं होगा, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले महीने से सिंध में अपना अपना डेरा जमाने का इरादा रखती है। तो अगर आप इंटीरियर सिंध में अपना डेरा इस बुनियाद पे जमा वो जमाएंगे कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जाएंगे तो मेरा ख्याल है अरे नहीं मजहर साहब नहीं नहीं कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस स्टेज के ऊपर नहीं चाहेगी कि एमकेएम से इतिहाद करे, लेकिन एमकेएम की पीपल्स पार्टी से दूरी कराची के अंदर अफरा तफरी और सियासी बेचैनी यकीनन ऐसे हालात बना देगी। देखिए मैं आपको अभी मैं मखदूम अमीन फहीम साहब की भी बात सुन रहा था और हमारे दूसरे साथियों की, मेरे नजदीक पाकिस्तान की जो सियासत है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और इसमें जो है ये जितनी भी आप कंटेनर्स के ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए हैं उनका आप जायजा ले लें कि उसमें वो सारे सियासतदान भी मौजूद हैं जो पुरानी पुराने पाकिस्तान की सियासत करते रहे हैं और उससे माली मफादात हासिल करते रहे हैं और जो अब जो सूरत हाल बन रही है वो भी हमें उसी तरफ जाती हुई नजर लगी हुई। आप मजीद कितने भी सूबे बना लें लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट लोगों को सर्व करना है ही नहीं। मगर सूबों की तरफ जाने से पहले एमकेएम की दूरी सियासत पे क्या रंग लाएगी? एमकेएम बाहर रहेगी वापस चली जाएगी? एमकेएम देखिए एमकेएम फौरी तौर पे वापस नहीं जाएगी, उनके अंदर बहुत ज्यादा दबाव है कि और बहुत ज्यादा दबाव था कि सिंध हुकूमत से बाहर निकला जाए और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उनको ये फील हो रहा था कि उनका जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे और सबसे अहम बात यह कि उनका जो इशू लोकल बॉडीज के हवाले से था उस पर पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मफाहमत नहीं हो रही थी। और मगर अगर एमकेएम बाहर रोड्स के ऊपर रहती है और यहाँ धरने जारी रहते हैं, मुल्क के अंदर जलसे जुलूस रहते हैं, तो मरकजी हुकूमत के ऊपर क्या दबाव आएगा? देखिए कराची डिस्टर्ब होगा तो आपकी रईसई मीशत पूरी बैठ जाएगी और एमकेएम केपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग कराची। डिस्टर्बिंग कराची से मतलब ये कि जब वो एहतजाज की कॉल देंगे तो एहतजाज होगा, जब वो स्ट्राइक की कॉल देंगे तो वो स्ट्राइक होगी, जब वो पहिया जाम करेंगे तो पहिया जाम होगा। ये आपके पास जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस स्ट्राइक को रोक सकें।
आपके यहाँ पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। के इक्तदार से अलहदा होने के बाद कराची में पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो है वो आपको नजर आती है? बिल्कुल नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है, और कराची डिस्टर्ब होगा तो पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। और इसका फायदा आप वो उनके साथ हो ना हो, लेकिन धरने वालों को होगा, इसका पूरा फायदा होगा, सियासी तौर पे फायदा होगा, और मेरा ख्याल है आगे चल के ये कोई अलायंस की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, लेकिन नॉट इन द नियर फ्यूचर। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। बैरिस्टर सैफ साहब, कितनी टर्बुलेंस करने का इरादा? पहिया जाम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, क्या करेंगे? देखें, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हम टर्बुलेंस क्रिएट करने का बायस बने। हम तो चाहते हैं कि मफाहमत से, मसालेहत से बात चले और मुल्क के मफाद में जो हम कर सकते हैं अपना रोल अदा करते रहें, और इसीलिए हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी ज्वाइन किया कि तसादम की बजाय हम मफाहमत से काम चलें और आवाम की खिदमत कर सकें। लेकिन अब हालात को अगर उस रुख पर ले जाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि मुतहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत और अल्ताफ़ भाई जो भी हिदायत देंगे उसके मुताबिक पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। आपकी जल्दी वापसी नज़र नहीं आती। आज शाहजी ने क्या कहा कि कराची वो म्यूनसिपल कमेटी में आपके कितने हैं, KMC के अंदर और वाटर बोर्ड के अंदर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कभी पूछा तो वो ये बातें पहले कभी करते नहीं थे। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को सूट करता है इस वक्त दूरी। देखें, कराची का जो वाटर बोर्ड था और जो बाकी इदारे, उनको उन्होंने कराची की बजाय सिंध का नाम दे दिया। उनके नाम भी उन्होंने पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने चेंज कर दिया, हालांकि वहाँ वसाइल और मसाइल जो है वो सारे कराची रिलेटेड हैं, सिंध के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो इख्तलाफात का बायस हैं। हमारे वजीर सेहत को शिकायत थी और यकीनन है कि उनको उनके इख्तियारात को जो है उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया करने दिया जा रहा, बड़े मसाइल हैं। और लेकिन ये जो महाजर लफ्ज़ को गाली की बात का के साथ मुतरादिफ करार दे दिया गया, फिर अल्ताफ़ भाई जो कैद तहरीक हैं उनको डायरेक्ट इंसल्ट करने की जसारत जो की गई, उसके बाद और क्या रह जाता है कि आप मफाहमत करें? देखें, अगर खुदा न खास्ता कल आज मेरे मुँह से भुट्टो साहब के हवाले से या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से कोई गुस्ताखाना अल्फाज निकलें तो कितनी तकलीफ होगी हमारे जरदारी साहब के लिए। तो आप बहुत दफा कहते हैं, लेकिन जरदारी साहब का तो ताल्लुक नहीं है ना भुट्टो खानदान के साथ। वो तो एक 10% के नाम से आप टैग करते रहे, आप जरदारों, जागीरदारों, अल्ताफ भाई के लफ्ज़ थे। देखें नदीम भाई, जरदारी साहब तो भुट्टो खानदान से नहीं है, और भुट्टो खानदान, मैंने तो उनकी बात की कि अगर हम उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो पीपल्स पार्टी को कितना दुख होगा। उसके बाद जब ये सब कुछ कायदे तहरीक के बारे में, पार्टी के सरबराह हैं जिनको आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी के सरबराह तो मेरे साथ बैठे हुए हैं नईम साहब, और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उनको यकीनन तसादम की बजाय मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि तसादम के नतीजे में मैं समझता हूँ कि आप दोबारा मुलाकात के लिए आ जाएं, आज जरदारी साहब से मिल रहे थे तो मान जाएंगे आप? देखिए, रहमान मलिक साहब के पास कोई चाबी है जो आपको मना लेते हैं? मुझे मालूम नहीं हो सका आज तक वो चाबी है। नदीम भाई, अल्ताफ भाई का बहुत बड़ा दिल है, बहुत मतलब बर्दाश्त और हौसला है उनपे। रहमान मलिक साहब जाएंगे तो बिल्कुल दरवाजे खुले होंगे, मुलाकात भी करेंगे, लेकिन अब फैसला जो है मैं नहीं समझता कि अब ये फैसला यही है कि बाहर रहना। हाँ, मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो अल्टीमेट जो पॉलिटिकल राउंड या इस्लामाबाद में भी चल रहा है, अब कराची में भी अगर हालात बिगड़ते हैं तो किस तरफ जाएंगे इस पर भी बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे अब्दुस्तार ईदी साहब, बहुत खिदमात है उनकी वहाँ पे, जहाँ चंदा इकट्ठा होता है गरीब लोगों की, नादार लोगों की, यतीम बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी मदद के लिए, वहीं डकैती हो गई है और जो कुछ था वहाँ पे वो उठा के ले गए हैं। पूछेंगे उनसे कि क्या हुआ, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, अब्दुस्तार ईदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईदी साहब, क्या हुआ, कुछ आपकी जुबानी पता चले कि वो ईदी सेंटर से जहां पर गरीब लोगों की मदद के लिए जो चंदे के पैसे थे और जेवरात थे वो सारा कुछ लूट के ले गए, कुछ फरमाइएगा क्या हुआ? अच्छा, मैं तो रात को सोया हुआ था, सुबह आए और सुबह आकर कुछ चंद आदमियों ने मुझे उठाने की कोशिश की और चाबी मांगा, तो मैंने कहा चाबी मेरे पास तो नहीं है। इसके बाद कबाटें तोड़ी और कबाटों में जो कुछ था वो ले लिया और उसने उसमें से जो भी था वो निकाल कर लेकर गए। तो वो कितने पैसे थे और कितने जेवरात थे, कुछ अंदाज़ा है? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन रुपये हमारे अंदाजन तकरीबन करोड़ों के करीब थे। सुनना भी था, डॉलर भी था, ये सब पड़े हुए थे, पाउंड भी थे जी।
तो ईदी साहब, एक खबर में ये जाहिर होता है कि कोई 5-6 करोड़ रुपए हैं और कोई 5-6 किलो शायद सोना है, क्या ये दुरुस्त है? थोड़ा कम है बस, थोड़ा सा कम है। अच्छा, दुरुस्त है। तो ये भी एक खबर में आया है कि वो लोग काफ़ी अरसे से ईदी सेंटर आ जा रहे थे, कुछ उनकी निशानदेही हुई, पता चला कि कौन लोग थे? नहीं, मैं तो नहीं निशानदेही कर सका, लेकिन ये मुझे कहते रहे कि तुम्हारे दफ्तर में एक दो लोग आते थे और वो आपको सलाम करते थे, बैठते थे, उठते थे, लेकिन मैं अंदाजा नहीं निकाल सका। तो पुलिस वाले क्या बताते हैं, पकड़ लेंगे, कुछ इनको सुराग मिला या कुछ पता नहीं चला? पुलिस वाले कहते हैं कि हम शाम तक इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि कराची पुलिस पे मुझे बहुत यकीन है और बहुत भरोसा रखता हूँ। ईदी साहब, आप पाकिस्तान पूरे के वाहिद शख्स हैं जिनको कराची पुलिस के ऊपर यकीन है, नहीं तो कराची में ना पीपल्स पार्टी को उस पर यकीन है, ना MQM को उस पर यकीन है। तो अल्लाह करे आपकी उम्मीद पूरी आ जाए। मेरे पास मखदूम साहब बैठे हैं। मखदूम साहब, ईदी साहब हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं और जितने मेरे ख्याल में इनकी खिदमात हैं, बहुत थोड़े लोगों की खिदमात हैं। क्या आप कुछ, आपकी हुकूमत भी है, कुछ यकीन दहानी करवाएंगे ईदी साहब को? देखिए, सबसे तो पहले तो मैं कहूँगा कि यह नहायत ही अफसोसनाक वाक़िया है, जिन्होंने भी किया है उनको थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। अभी एक शरीफ आदमी जो कि कौम की खिदमत कर रहा है, ऐसे ऐसे इनके जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लोगों को बेचारे मरते हैं, उनको उठाते हैं, पहुंचाते हैं और गरीबों की पूंजी संभाल के रखते हैं, खैर का काम करते हैं, और खैर के काम में आके ये काम करना बड़ा शर्मंदगी का बायस होता है। तो मखदूम साहब, आप सीनियर शख्सियत है पार्टी में, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करिए पुलिस के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, कि एक्टिवली उन लोगों को ढूंढे और इनका पैसा, चंदे का पैसा है वो बच्चों की मदद के लिए, गरीबों की। लोकल गवर्नमेंट हर किस्म की जो है कोशिश कर रही है, उसमें सिविल गवर्नमेंट भी है और जो बाकी हमारे इदारे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, और यकीन से नहीं कह सकते लेकिन उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो है वो रिकवर हो जाएंगे और होने चाहिए। अच्छा, मेरे साथ गुलाम कादर थेबो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, IG सिंध। अस्सलाम वालेकुम आई जी साहब। जी, मैं IG सिंध हूँ, एडिशनल IG कराची CCP हूँ। सर, अल्लाह ताला आपको IG बना देगा जी, फिक्र ना करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप पहले ईदी साहब के पैसे ढूंढिए, फरमाइएगा कुछ पता चला वो कौन लोग थे जिन्होंने डकैती की और उनका कुछ सुराग मिला? जी बिल्कुल, ईदी साहब की डकैती हुई है, मैं खुद सुबह ईदी साहब से भी मिल के आया हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ईदी साहब ने का यकीन है कराची पुलिस पे, उनकी मेहरबानी है, और जिस तरह मैं आपको बताऊं कि इस साल 17 बैंक डकैती हुई है कराची में इस साल, और उस 17 में से 16 बैंक डकैती कराची पुलिस ने ट्रेस की है। एक बैंक, एक जो है गाड़ी लूटी गई थी 1.25 करोड़, वो भी हमने रिकवर किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आई कैन अश्योर यू कि ये केस भी हम ट्रेस करेंगे, हमें कुछ क्लूज मिले हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो मुख्तलिफ खबरें हमने देखी हैं वहाँ से, कराची से रिपोर्ट होते हुए, अपने रिपोर्टर से भी पूछा, तो वहाँ पता ये चलता है कि वो ईदी सेंटर में लोग कुछ अरसे से जा रहे थे, तो क्या पुलिस के पास ऐसी निशानदेही है जो हमें लीड करती हो मुलजमान की तरफ? देखिये, बात यह है कि यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लगे हुए थे, उसके अलावा कोई एक्चुअल एविडेंस भी कोई इतना वाजे नहीं मिला, लेकिन एक बच्ची ने कुछ हमें कुछ स्केचेस बनवाए हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स होती हैं, उसको हम उस पर काम कर रहे हैं, जियो फेंसिंग पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा CRO हमारे पास है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और हम किसी नतीजे पर पहुँच भी गए हैं, और उसमें इंशाल्लाह ताला ये केस, जिस तरह सुबह भी मैंने ईडी साहब को कहा था कि ये केस हमारे लिए चैलेंज है कराची पुलिस के लिए, और इस केस को हम ट्रेस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला। एक और फरमा दें, आपने जियो फेंसिंग का जिक्र किया, जियो फेंसिंग बहुत अच्छी टेक्निक है जहाँ मोबाइल फोन के जरिए आप बिल्कुल उस बंदे तक पहुँच जाते हैं, कुछ शवाहद हैं ऐसे कि ईडी साहब को हम यकीन दिला सकें कि कल परसों एक दो रोज में आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जिन लोगों ने ये काम किया? देखें, बात यह है कि बिल्कुल ये मैं टाइम लिमिट नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये मैं आपको इंश्योर करा सकता हूँ IG साहब को भी कि इनके मुलजमों को हम पकड़ेंगे। बाकी ये है कि जियो फेंसिंग का पे भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मोबाइल यूज़ हुआ है, और उसके अलावा बाकी भी हमारी और भी टेक्निक्स हैं,
उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे कराची पुलिस की एक अपनी स्ट्रेटेजी भी है, तो उस हवाले से हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ लक जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इनको ढूंढिए और आप ढूंढेंगे तो हम आपको दोबारा फ़ोन पे भी लेंगे और आपको ऑन एयर शाबाशी देंगे। जो ईडी साहब ने उम्मीद आप पे जाहिर की है, हमारी दुआ है कि वो उम्मीद पूरी आए और ये पैसा वापस आ जाए जो गरीबों की मदद के लिए था। एडिशनल आई जी सिंह गुलाम कादर थेबो साहब हमारे साथ थे। ईडी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इसमें आसानी पैदा करे और वो पैसा डोनेशन का पैसा है वापस आए। बैरिस्टर साहब सर, दोबारा हम टॉपिक की तरफ आ जाएं। एमकेएम पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल क्या है, क्लोजिंग इसी एंड पे आके करते हैं। फिलहाल तो रास्ते जुदा हैं, जुदा हैं और अल्लाह करे कि आगे पीपल्स पार्टी की क़यादत को एहसास हो कि अपने मुल्क के मफाद में ये बेहतर नहीं है कि आप किसी को ज़ाती तनकीद का इतना। आइंदा आने वाले दिनों की अगर सियासत देखें, अगर तहरीके इंसाफ जाके लाड़काना में जलसा कर रही हो या सिंध के दूसरे शहरों में वो जाके मुजाहरे करना पसंद करें, पता नहीं करेंगे या नहीं, और आप जाके कराची के अंदर मुजाहरे कर रहे हो, तो क्या सिचुएशन नजर आएगी? बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कायम अली शाह साहब की हुकूमत के ऊपर भी और मियां साहब की हुकूमत के ऊपर। देखें, यकीनन पूरे मुल्क में इस वक्त जो सियासी फिजा है उसमें एक गैर यकीनी कैफियत भी है और यकीनन जलसे जलूस और मुजाहरों का एक सीजन सा बना हुआ है, एक समा सा लगा हुआ है। इसमें यकीनन मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमतें जो जिनके हाथ में जमाने इक्तदार है उनको तो यकीनन चैलेंज किया जा रहा है, और इसीलिए मेरे ख्याल में मसलहत का तकाजा ये था कि अपने साथियों को अलग करके उनको धरनों पे की तरफ धकेलने के बजाय मफाहमत से काम चलाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जहाँ भी हुकूमतें हैं इस वक्त सूबों में और वफाक में, वो शायद कन्फ्रंटेशन की फिजा खुद ही अपनी पॉलिसीज के नतीजे में बना रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में मुल्क के मफाद में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मखदूम साहब, आपको आने वाले दिनों की सियासत क्या नजर आती है आपके, क्योंकि लाड़काना में एक तहरीक इंसाफ ने चैलेंज रखा हुआ है कि वहाँ जाना है। मैं अर्ज करूँ कि मुझे तवक्को है, पहले तो मैं कराची एम क्यू एम और हमारे हवाले से मुझे बड़ी हद तक उम्मीद है कि ताल्लुकात ख़राब होने से बच जाएंगे, अभी हो गए लेकिन बच जाएंगे। और दूसरी बात यह कि हम अगर इंतशार की सियासत करते हैं, काफ़ी इंतशार हो चुका है, तजुर्बा भी हो चुका है, तो उसके नतीजे में बड़े ड्रास्टिक हालात का अंदाज़ा किया जा सकता है। ऐसे ट्रैप में न पड़ जाएँ कि जो कल हम अपने आप को उससे बचा ना सकें। इमरान खान साहब का जहाँ तक लाड़काना आने का ताल्लुक है, पाकिस्तानी शहरी हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाएँ, कोई एतराज़ नहीं है, और लाड़काना भी जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ चाहें चले जाएँ। आपको ये नहीं लगता कि आपका जो रूरल सिंध का वोटर है, जिस तरीके से मुल्तान किसी ज़माने में लाहौर आपका गढ़ होता था, भुट्टो के ज़माने में सारी नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीती थी, लाहौर से आप फारग हैं बिल्कुल, आपका 2-3% से ज़्यादा वोट नहीं निकला, ऐसा ही प्रेशर आपको रूरल सिंध में फेस करना पड़ सकता है? देखिए, लाहौर तो मियां साहब का भी गढ़ था, अब इलेक्शन में देखें कि वहाँ पे इमरान खान साहब और दूसरी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ बन गई, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई, वो है। लेकिन ये कि हमें अपनी गलतियों से अपने आप को सीख के इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मखदूम साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीख रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका अभी ये जो स्लाइड है रुक नहीं रही है। मेरा ख्याल है कि सीखने की जो है इब्तिदा कर चुके हैं, जिसकी पहली जो है वो बारिश का कतरा ये है कि बिलावल साहब ने उठ के कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ वर्करों से, अगर कोई किसी की रंजिश है तो उसको हम माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद जो है वो जब तक के वर्कर से पार्टी के वोट से ताल्लुकात हर पार्टी को जितना रखेंगे उतना जो उनको फ़ायदा होगा, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जड़ें आवाम में हैं और उसको इतना बड़ा नुकसान होने का जो हो चुका है उससे ज़्यादा होने का कोई इम्कान नहीं है। क्विकली एक दो सवाल और आपसे पूछ लूँ। 18 अक्टूबर को सन है कारसाज के दिन आपने बिलावल की बाकायदा पोलिटिकल लॉन्चिंग की है, लेकिन मैं बार बार इस अरसे में पूछता रहा सिंध हुकूमत के लोगों से कि आपने सन है कारसाज के ऊपर क्या तहकीकात की, मुझे अगर रत्ती भर भी प्रोग्रेस नज़र आई हो, ये इससे ज़्यादा तो आपके ऊपर वो क्या कहते हैं चार्जशीट और हो ही नहीं सकती संजीदा, कि जिसमें 125 पीपल्स पार्टी के वर्कर मारे गए, 27 दिसंबर 5 साल आपकी हुकूमत रही, बीबी की मर्डर इन्वेस्टिगेशन जहां जनरल परवेज मुशर्रफ ने छोड़ी थी, आप एक इंच नहीं आगे बढ़े, हुकूमत ख़त्म होने के बाद आपने उस केस में हिस फ्रीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की, क्यों? ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। इसमें मैं इतना कहूँगा कि जो जिनके हाथ में गवर्नमेंट होती है वो अपने उस वक्त के हालात को मद्देनजर रख के फैसले करते हैं। अब क्योंकि मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था तो मैं कहूँ कि इसकी वजह से या उसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन इसका जो है वो मुकम्मल तौर पे इसकी वजाहत होनी चाहिए थी, इसकी तहकीक होनी चाहिए थी, और इट्स नेवर टू लेट, अभी भी कर सकते हैं। और मखदूम साहब, आप उन शख्सियात में शामिल हैं जो बीबी के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जिस वक्त बीबी की वो ब्लास्ट होता है, और कराची में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें एक बम का टुकड़ा मेरे इसमें 48 में पड़ा था,
छः साल तक, अभी रिसेंटली सानिया कारसाज में भी थे और 27 दिसंबर वाले दिन भी अबीबी की गाड़ी उसमें तो हम साथ बैठे थे। ये बैरिस्टर साहब सब एक वन लाइनर क्लोजिंग रिमार्क। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा होता कि अगर 18 अक्टूबर के जलसे में कारसाज के वाकये के जिम्मेदारों का नाम लिया जाता, बीबी के कातिलों का वाकई जो 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 भी सिचुएशन है उसके बारे में, पीपल्स पार्टी 5 साल हुकूमत में रही, अब भी वहाँ सिंध में हुकूमत में है, कारसाज का वाकया कराची में हुआ, तो देखें तफ्तीश करने की अगर 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 वो बात बताते, कातिलों के नाम बताते, उनके हवाले से कोई इकदाम की बात होती तो शायद इसका इम्पैक्ट पीपल्स पार्टी के वर्करों की नफसियात पर ज़्यादा बेहतर। ये दुरुस्त है बात, अगर बीबी के कातिल पकड़ के सजा दिलवाते तो पीपल्स पार्टी का जाला जो था दोबारा इनके साथ जुड़ जाता है। ये बात दुरुस्त है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बैरिस्टर सैफ साहब आपका भी और मखदूम अमीन फहीम साहब आपका भी, आप दोनों हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।